यार इज्जत भी ना उतर जाए। पहले ना भाई किसी ने भी मेरे घर में इडली सांभर ट्राई नहीं किया। जल क्यों नहीं रहा है भाई? जल गई क्या भाई हमारी इडली? तुम क्या जानो राजेश बाबू? अरे भाई बाबू 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 पत्नी का माता हो गया। हेलो भाई इडली सांभर की फाइनली बनते हैं। कैसे बनाए मम्मी? व्लॉग ना बड़ा ही मजेदार होने वाला है क्योंकि इस व्लॉग में जहर बनाने वाली है। जहर में ठूसना पड़ेगा। जहर नहीं भाई, इडली सांभर बनाने वाले हैं। ऐसे पहले ना भाई किसी ने भी मेरे घर में इडली सांभर ट्राई नहीं किया है, तो सोचा क्यों ना एक बार ट्राई करते हैं। पूरी फैमिली को खिलाएंगे एंड सबका रिएक्शन भी जानेंगे कि उन्हें पहली बार इडली खाकर कैसा लगा। क्लू दादा ने आज से पहले पानी तो गर्म नहीं किया है, इडली सांभर बनाने चला। गजब बेइज्जती है दीदी। ये वाला तोड़ वाला खेलूंगा। कद्दू का लत है भाई, खेलने की चीज है क्या? खेलूंगा, बहुत अच्छा लग रहा है। हे भगवान, ये पूरी लत की बैंड बजा देगा। लो भाई टकलू उठो सुनो। जस्ट भाई सभी ने सुबह सुबह की गर्मा गर्म चाय पी ली। मम्मी ने जितने भी बर्तन थे धो लिए फटाक से। पहले भाई गैस के दो सेट करो। क्या भाई धनु भाई सिर्फ ठूसने में आगे रहती है। हाथ लगाओ, अपना अपना योगदान दो। मैं तो बाहू वाली हूं, अकेली उठा लूंगा। टट्टी निकल जाएगी उठाते उठाते। ले आओ भाई सब मिलकर। देखो पापा को लास्ट में उठाना पड़ा। मेरे को लगता है गैस खत्म हो गया है। मैं पैर भी बहुत गैस भरी है, अभी फुल कर लेता हूँ। एक से एक टकलू को शरारत करने की सूझती। गैस सिलेंडर को हमने इस रूम में सेट कर दिया ताकि आराम से बनाए। तुम्हें नहीं पकाना है, इडली सांभर पकाना है। चलो नहीं तो सच में तुम्हें पका डालूंगी बैगन के भरते की तरह। दीदी पहले सभी सब्जियों को नहला देते हैं। नहलाना नहीं है, धोना है। मटर को खोल खोल को डालूंगा। भगवान जी अकल बांट रहे थे, तुम कहाँ थे भाई? मैं सारे खाले खा रहा था। तो तुम भी अकल लिए। बिल्कुल चुप ना भाई, आतिश चटोरे का कोई भरोसा नहीं। पहले ही सब सब्जियाँ चट कर जाएगा। तो दीदी मटर को लंगा पुखा कर लेते हैं। पहले मटर को छील लेते हैं फटाफट, काफी ज्यादा टाइम लगता है इसमें। मटर को उछल रहा है। ऐसे ही उछलता है बाबू। मटर को फुटबॉल खेलना पसंद है। अच्छे से बैठ कर काम करो ना। क्या करो दीदी, चड्डी तो लूज है, गिर जाएगी तो। ढीली चड्डी क्यों पहनता है, टाइट चड्डी पहना करो। चुप हो जा सातवीं। Hours later. दीदी रखती है गोटा, फिर गाना है सारे मटर। गोटा रखती हूँ। ऐसे बुला दो दीदी, मैं ही तो पकड़ के रखती। फंस क्यों गया भाई? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। कहीं टूट ना जाए, फिर मम्मी हमारी बैंड बजा देगी। ये बच्चा किसका खो गया? टट्टू ना भाई, डगरे कुंकरण कहीं भी सो जाता है। सब्जियां है उनकी भुर्जी बन गई, मतलब चॉप हो गए। सांभर के लिए सब्जियों को चॉप करने के कई सारे फायदे होते हैं। पहले तो ये आपका सांभर जो है फटाफट बन जाएगा क्योंकि सब्जियों को पकने में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। गजब का फ्लेवर आता है, भर भर कर, और टेस्ट भी काफी ज्यादा यम्मी होता है। कुछ पूछा? तब तक इडली की तैयारियां करेंगे, बैटर वगैरह बनाएंगे। तब हम लोग जो है दाल बनने के लिए चढ़ा देते हैं सांभर के लिए। ये जल क्यों नहीं रहा है भाई? अरे गाड़ी तो सेट हो गया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अब चढ़ा देते हैं ये हमारा कुकर। हम लोगों ने यूज किया है मसूर की दाल क्योंकि इसका फ्लेवर काफी अच्छा लगता है। बहुत टेस्टी दीदी। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर की कीमत तुम क्या जानो राजेश बाबू। एक चम्मच हल्दी पाउडर हर खाने का ताज होता है। तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। एक बात तो है भाई, बिल्कुल पिकनिक वाली फीलिंग आ रही है। फटाफट पहले बनाते हैं इडली का बैटर। ये रहा चावल का आटा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बिल्कुल घर का बना हुआ देसी चावल का आटा है। देसी स्टाइल में मम्मी और धनु भाई ने रेडी किया था। थोड़ी सी सूजी भी ले लेते हैं। सूजी डालने से इडलियाँ काफी ज्यादा सॉफ्ट बनती है। ये जो बैटर है हम बिल्कुल गर्मा गर्म उबले हुए पानी से रेडी करेंगे। घुटन करना पड़ेगा ताकि बिल्कुल भी लम्स ना रहे। हमारे
मम्मी यहाँ पर इडली जो है ट्राई करेगी इस मिट्टी के कढ़ाई में बनाने का। इसे हम लोग क्या बोलते हैं मम्मी? सरपोस। सरपोस बोला जाता है। मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल से ग्रीसिंग कर दिया ताकि इडली चिपके नहीं। देखते हैं कैसे बन के आती है हमारी ये पहली वाली इडली। शेप तो काफी प्यारा सा आया इडली का। अब मम्मी इस ढक्कन से ढक देगी। दीदी बनने लगी, मैं पहले चेक करूंगा। घर बसते नहीं है, लुटेरे पहले आ जाते हैं। अभी बनने का ठिकान नहीं है, पहले ही चेक करूंगा चटोरा कहीं का। जल गई क्या भाई हमारी इडली? बनाने वाले सिर्फ मम्मी और खाने वाले तो देखो धन्नो भाई नैना सब यहीं पर डेरा लगाए। बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर कचरा लेकर। पापा फिलहाल लगे हुए हैं इस रूम की सफाई करने में। ये डंगरा सबकी बैंड बजा रहा है। कितने प्रकार का कचरा है? पापा बोला सबको निकाल दो। एक काम करो, तुमको भी घर से बाल करो। चलो इनमें की कचरा। इधर लाइट नहीं है तो धन्नो भाई की भी बैंड बजी पड़ी है। चारी को फटाफट कुएं से पानी निकालना पड़ रहा है और भरना पड़ रहा है। बाल के लंबे की इडली दे दो। नहीं बाल बच्चे संभाले होंगे। सलामत को संभालत। अरे मम्मी एक भिखारी आया। भिखारियों का पेट भर देना चाहिए भाई, भूखा नहीं रखना चाहिए। और दो भिखारी आ चुके हैं, दोनों को बांट दो बाबू। सच में भाई फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, काफी अच्छा रिजल्ट निकल के आया है। देखो कितनी सॉफ्ट जालीदार इडली बनी है। ये एक्सपेरिमेंट तो हमारा बिल्कुल पास हो गया। अब देखना है सांभर कैसे बनता है। इडली तो परफेक्ट बन के निकली है। चुकंदर बनाएगा सांभर। सांभर तो बहुत घटिया बनेगी। क्यों भाई टकलू? तू बना ले इसमें। मैं बना रही हूँ तो घटिया बनेगी। कढ़ाई को कर दिया मैंने गर्म। अब डालेगा इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी धनिया। बनिया डाल रहा है धनिया, 7-8 साबुत काली मिर्च, 4 सूखी लाल मिर्च, थोड़े से मेथी के दाने और थोड़ी सी राई यानी सरसों के दाने। भून दो भैया। मीडियम फ्लेम में हल्का इसे भून लेंगे। कितना देर बाद हो दीदी? बोलो बस जाएगा तो गिरा के रखो। निकल जा भैया। अब क्या करूं दीदी? तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, धन्नो भाई को बुलाया जाए। धन्नो भाई हाजिर हो। क्या हुकुम है मेरे आका? इसकी अच्छी सी चटनी बना के ले आओ, पीस कर। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। सरसों का तेल, तेल गरम हो गया, डाल देंगे थोड़ी सी राई। ओए भागो भाई, धमाका हो रहा है। दो हरी मिर्च। तुम्हारा टकले में ही लगेगा। थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अरे भाई भागो भागो भागो, कितने धमाका हो गया। इसमें जितनी भी सब्जियां कट करके रखी है ठूस रहा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये लीजिए आटा पीस कर आ गया। भाभी धन्नो भाई, घर के बने हुए सांभर मसाला की बात ही अलग है, जरूर ट्राई करना। प्याज डाल देते हैं बारीक चॉप किए हुए। जब तक प्याज भून रहा है क्यों ना एक मजेदार सा खेल खेल लेते हैं। रिक्शा वाले कहाँ जाओगे? दिल्ली का भाड़ा कितने लोगे? तू एक दो, चलो ये वाला मूर्छी बंद करो। रिक्शा वाले कहाँ जाओगे? पटना। पटना का भाड़ा कितना लोगे? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस। प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, अब डाल देंगे सारी सब्जियाँ। डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। स्वादिली हो स्वाद नमक क्या होता है। सभी सब्जियों को अब हमें अच्छी तरीके से सॉफ्ट होने तक भूनना है। एक चुटकुला मेरी तरफ से। एक बार एक आदमी अपने गाड़ी की चाबी से अपने कान को खुजला रहा था। ये सब पप्पू देखता है तो पता है पप्पू उस आदमी से क्या बोलता है? बोलता है, अरे अंकल अगर आप स्टार्ट नहीं हो रहे तो बता दो, मैं पीछे से धक्का लगा दूंगा। अच्छे से भून गई है, अब डाल देते हैं लाल लाल टमाटर। हमारे घर के बने हुए इस देसी सांबर मसाले को डाल देते हैं भाई हमारी ये उबली हुई मसूर की दाल। जिसे चाटना होता है। मैं छोटू दाल भाई, जिसने बनाई सांबर? किसने बनाई हुई चटोरे? इधर देखो तो, इधर देख के बोलना किसने बनाई। किसने बनाई? मैंने। मेहनत किसने की और क्रेडिट कौन ले रहा है? देखो 10 में से कितना नंबर रेट करना चाहोगे आप सभी सांभर को बताना जरूर। सभी को टेस्ट कराते हैं इडली और सांभर, देखते हैं कैसी बनी है। मिर्ची वाली है भाई, पिछवाड़े से धुएं निकलने लगेगी। पापा फटाफट सभी के लिए यहाँ पर पीढ़ा लगा दे रहे हैं, सभी बैठ कर मस्त इंजॉय करेंगे। तुम्हें तो बैठा हुआ है भाई, गिर जाएगा। चलो अरे भाई देखना, देखो ये गिरा टूटा हुआ पीड़ा में बिठा दिया। सब रेडी हो चुके।
एक्स्ट्रा सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अच्छा लगा टेस्ट। इडली सांभर पहली बार सब ट्राई कर रहे हैं। दस नंबर, दस में से बीस नंबर, बीस नंबर टकली, एक लाख नंबर, एक लाख। दस में से कितना नंबर? दस। दस में से दस। ये वाला गया भाई मेरी प्यारी सी मम्मी को, ये भी खाकर बताएगी कैसा बना है। असली क्रेडिट तो मम्मी को ही जाता है, मम्मी ने ही बहुत ज्यादा मेहनत की है। कैसा बना है मम्मी? बहुत अच्छा बना है। मम्मी को भी अच्छा लगा, मस्त इंजॉय करो तब। चलो फटाफट बोलते जाओ। इडली से ज्यादा सभी को सांभर पसंद आ रहा है। और किसी को चाहिए इधर? नहीं, सभी की प्लेट में भर भर कर सांभर है। मुरमुरे भी आ गए हैं। चलो बताओ किसको किसको चाहिए? मुझे। थोड़े थोड़े मुरमुरे दे देते हैं, मस्त एंजॉय कर लेंगे। सहनी हमें सजा है हम है।